फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा के बारे में अगर हम पढ़ें, इनके सबसे पहले फीचर्स की बात करेंगे तो इनमें प्रेजेंस ऑफ नोटोपोड, इनमें नोटोपोड प्रेजेंट होती है, डोर्सल नर्व कोर प्रेजेंट होती है एंड फाइलम पढ़ाए। मैंने किसी में भी नहीं बोला कि नोटोपोड प्रेजेंट है या नर्व कोर प्रेजेंट है या पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। ये ऐसा फीचर है जो कॉर्डेटा को बाकी के जितने भी हमने फाइलम्स पहले पढ़े हैं उनसे अलग बनाता है। तो नोटोपोड क्या होती है? नोटोपोड जो होती है ये हमारी स्केलेटल रॉड है, स्केलेटल रॉड है। और जो ये नर्व कोर जो होती है ये हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्ट हुई होती है। नर्वस सिस्टम का सॉलिड स्ट्रैंड होता है। नोटोकोर्ड एंड नर्व कोर्ड में डिफरेंस है, नोटोकोर्ड स्केलेटल रोड है, ये हमारे स्केलेटन सिस्टम के साथ, स्केलेटन बॉडी का स्केलेटन सिस्टम होता है उसके साथ कनेक्टेड होती है। और जो नर्व कोर्ड होती है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ ये कनेक्टेड होती है। तो ये अगर हमारा नर्व कोर्ड है, इफ दिस इज नर्व कोर्ड एंड दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस क्या है हमारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो इनके बीच में जो ये रोड आएगी, दिस रोड, दिस इज कॉल्ड एज नोटोकोर्ड। इसको क्या बोल देते हैं? नोटोकोर्ड। मैंने क्या बोला? नोटोकोर्ड स्केलेटन रोड है, स्केलेटन सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, नर्व कोर्ड सॉलिड स्ट्रैंड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, नर्व कोर्ड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में जो रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एज नोटोकोर्ड। क्लियर? देन इसके बाद में इनके अदर फीचर्स की अगर हम बात करें तो इनकी ये बाइलेटरली सिमिट्रिकल होते हैं, बाइलेटरली सिमिट्रिकल, ठीक है। उसके अलावा ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलियोमेट होते हैं, सीलियमिक कैविटी इनके पास प्रेजेंट है, और ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनकी होती है। इसके अलावा इनके पास एक और एडिशनल फीचर है दैट इज पोस्ट एनल टेल। इनके पास एक पोस्ट एनल टेल होती है एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और इनका सर्कुलेटरी सिस्टम भी कैसा होता है? क्लोज्ड होता है। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो कॉर्डेट्स में होते हैं और हमें बाकियों में देखने में कम ही, मतलब ये वाले तो होंगे ही सब में, लेकिन नोटोकोर एंड एनल टेल हमें बाकियों में देखने में कम ही मिलती है। तो ये तो फीचर्स थे हमारे कॉर्डेट्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे पहले कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंस, कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंस। तो कॉर्डेट्स में अभी बताया मैंने, नोटोकोर इनमें क्या होती है? प्रेजेंट होती है। इनमें नोटोकोर क्या होती है? एब्सेंट होती है। इनका जो सीएनएस, सीएनएस फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो इनका होता है वो डोर्सल होता है, होलो होता है एंड सिंगल होता है। डोर्सल, होलो एंड सिंगल। जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है दैट इज वेंट्रल, वेंट्रल होता है। इसके अलावा वो सॉलिड होता है, होलो नहीं होता है, होलो मींस खाली, सॉलिड मींस सॉलिड भरा हुआ एंड डबल होता है। थर्ड फीचर जो कॉर्डेट्स में है, नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होता है दैट इज गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है।
होती है, गिल स्लिट्स एब्सेंट होती है। गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगी कॉर्डेट्स में, और नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स एब्सेंट होंगी। इनका जो हार्ट होता है, हार्ट वो होता है वेंट्रल, और इनका जो हार्ट होता है दैट इज डोर्सल। वो हार्ट कैसा होता है? डोर्सल होता है, फ्रंट एंड बैक। तो वेंट्रल एंड डोर्सल का मतलब क्या है? फ्रंट एंड बैक की बात कर रहे हैं। इसके अलावा एक पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट इन कॉर्डेट्स एंड एब्सेंट इन नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स में ये टेल जो है प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो कॉर्डेट्स को नॉन कॉर्डेट्स से अलग करते हैं। कॉर्डेट्स में नॉन कॉर्ड प्रेजेंट होगी, नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनका डोर्सल होलो एंड सिंगल होता है, इनका वेंट्रल सॉलिड एंड डबल होता है। गिल स्लिट्स इनमें प्रेजेंट होती है, इनमें गिल स्लिट्स एब्सेंट होती है। इनका हार्ट वेंट्रल है, इनका हार्ट डोर्सल है। डोर्सल इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट हुआ सिर्फ तभी डोर्सल होगा, अदरवाइज इनमें प्रेजेंट नहीं होता है मैक्सिमम में। पोस्ट एनल टेल इनमें प्रेजेंट है, इनमें क्या है? इनकी एब्सेंट है। तो ये कुछ फीचर्स हैं कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स के बीच में डिफरेंस है उनका, तुमने याद रखने हैं ये पॉइंट्स। देन जो फाइलम कॉर्डेटा है उसके तीन सब फाइलम है, ये फर्दर आगे डिवाइड हुआ है तीन सब फाइलम्स में, ठीक है? वो कौन कौन से हैं? यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड थर्ड वन इज वर्टेब्रेटा। थर्ड वन इज वर्टेब्रेटा। ये तीन क्या है? इसके सब फाइलम है। जो हमारे यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा होते हैं, ये दोनों, इन दोनों को इकट्ठे क्रोटोकॉर्डेटा भी कहा जाता है। इन दोनों को इकट्ठे यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा को क्रोटोकॉर्डेट्स भी कहा जाता है। और ये बेसिकली, ये जो बेसिकली है ये हमारे मेराइन होते हैं। ये बेसिकली इनका हैबिटेट क्या है? दे आर मेराइन। जो यूरोकॉर्डेटा है, जो ये यूरोकॉर्डेटा है, इनमें यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है, यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होती है वो सिर्फ प्रेजेंट होती है इन लार्वा टेल। जिस टाइम पर इनकी इंडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रही है, लार्वा वाली स्टेज हो आ रही है, तो लार्वा टेल में ही सिर्फ नोटोकॉर्ड, तब तक ही सिर्फ इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। वाइल जो सेफेलोकॉर्ड कॉर्डेटा है, ये जो सेफेलोकॉर्ड कॉर्डेटा है, इनमें इनमें क्या होता है? ये जो नोटोकॉर्ड है ये हेड से लेकर टेल तक होती है थ्रू आउट द लाइफ। जब तक इनकी लाइफ है तब तक ये रहेगी ही रहेगी। मैंने क्या बोला कि कॉर्डेटा के तीन सब फाइलम है, दैट इज यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टेब्रेटा। जो यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा है उनको इकट्ठे प्रोटोकॉर्ड्स कहा जाता है, और ये मैराइन एनिमल्स होते हैं। जो यूरोकॉर्डेटा फर्स्ट वाले हैं, यूरोकॉर्डेटा, उनमें जो नोटोकॉर्ड है वो लार्वा टेल में ही प्रेजेंट होगी, और जो सेफेलोकॉर्डेटा है उनमें जो नोटोकॉर्ड है वो हेड से लेकर टेल तक होती है थ्रू आउट देयर लाइफ। जब तक उनकी लाइफ है तब तक वो टेल उनमें प्रेजेंट रहेगी, ठीक है? ये तो हमने यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा की बात कर ली। यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा जिनको प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहा जाता है उनकी बात कर ली, लेकिन हमने थर्ड टाइप के सब फाइलम जिसका नाम है वर्टेब्रेटा उसकी अभी तक बात नहीं की। वर्टेब्रेट्स की अभी तक हमने बात की नहीं की। वर्टेब्रेटा जो होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड जो होती है, उनमें जो नोटोकॉर्ड है, जिस टाइम पर उनका एम्ब्रियो बन रहा होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है, सिर्फ तब तक ही, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तक ही उनकी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। देन जब वो एडल्ट हो जाते हैं, जिस टाइम पर वो बड़े हो जाते हैं, ये जो नोटोकॉर्ड है ये रिप्लेस
रिप्लेस हो जाती है, रिप्लेस्ड बाय वर्टेब्रल कॉलम, रिप्लेस्ड बाय वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है, तो सारे तो यहाँ पर समझ में आया मैंने क्या बोला, वर्टेब्रेट्स जो हैं उनमें नोटोकोर प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब तक उनका एम्ब्रियो बन रहा है, अभी जायगोट मतलब छोटा सा ही है, बेबी के फॉर्म में है, वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट तक ही नोटोकोर प्रेजेंट होगी। जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा वो नोटोकोर, ये जो नोटोकोर है इसको रिप्लेसमेंट मिल जाएगी बाय वर्टेब्रल कोलम। दैट इज व्हाई, इसी कारण ये स्टेटमेंट दी जाती है कि वर्टेब्रेट्स आर कोडेट्स, वर्टेब्रेट्स आर कोडेट्स, नहीं है। और इसका अगर रीजन पूछा जाए व्हाई, तो आंसर यही है क्योंकि वर्टेब्रेट्स में तो नोटोकोर्ड होती है और सारे के सारे कॉर्डेट्स में भी नोटोकोर्ड होती है, लेकिन कॉर्डेट्स के अंदर जरूरी नहीं है वर्टेब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा, बट वर्टेब्रेट्स में वर्टेब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। सो क्या बोला मैंने, जितने भी वर्टेब्रेट्स है दे आर कॉर्डेट्स, व्हाई, बिकॉज दे हैव नोटोकोर्ड इन देयर लाइफ साइकिल, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टेब्रल कॉलम, व्हाई, बिकॉज दे डू नॉट हैव वर्टेब्रल कॉलम। जो फीचर वर्टेब्रेट्स का है जो कि रिप्लेस कर जाता है नोटोकोर्ड को वर्टेब्रल कॉलम से, मीन सिर्फ वर्टेब्रेट में देखने को मिलेगा, बाकी के अदर जो सब फाइलम्स हैं उनमें ये देखने को नहीं मिलता है। आई होप तुम लोगों को समझ आ गया हो। इसके अलावा वर्टेब्रेट्स के पास देखो, जो मैंने स्टार्टिंग में कॉर्डेट्स के फीचर पढ़ाए, पोस्टेनल टेल होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, वो सारी चीजें तो वर्टेब्रेट्स में होती ही होती है, लेकिन इसके अलावा इनका जो हार्ट है, वर्टेब्रेट्स की बात कर रहे हैं, वेंट्रल मस्कुलर हार्ट जो है इनका, वो हार्ट जो है वो 2, 3 और 4 चैम्बर्स हो सकता है, 2, 3 और 4 चैम्बर्स, ठीक है, उसके 2, 3 और 4 चैम्बर्स हो सकती हैं। इनके पास किडनीज होती हैं, किडनीज किस पर्पस के लिए होती हैं, एक्सक्रीशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए इनके पास किडनीज होती हैं। इसके अलावा ये ऑस्मोरेगुलेशन भी करते हैं, ऑस्मोरेगुलेशन तुम्हें पता है बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्ट का बैलेंस बनाए रखना। और इनके पास फिन्स या फिर हम उनको लिम्स बोल देते हैं, फिन्स या फिर लिम्स, ये प्रेजेंट होती हैं, पेयर्ड अपेंडेजेस इनको बोला जाता है, पेयर्ड अपेंडेजेस जो इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं, इनके पास पेयर्ड फिन्स और लिम्स भी प्रेजेंट होते हैं। इनके पास वेंट्रल मस्कुलर हार्ट है जो कि 2, 3 या 4 चैम्बर्स हो सकते हैं, उसकी किडनीज है एक्सक्रीशन के लिए, दे डू ऑस्मोरेगुलेशन एंड फिन्स और लिम्स आर प्रेजेंट इन देम। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फाइलम वर्टेब्रेट है इसकी फर्दर कुछ क्लासेस हैं, ये जो फाइलम वर्टेब्रेट आ गया ना हमारा, ये वर्टेब्रेट, इसकी कुछ डिफरेंट क्लासेस हैं, उन क्लासेस को हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहली क्लास हम डिस्कस करेंगे दैट इज क्लास साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा, दैट इज क्लास साइक्लोस्टोमेटा। जितने भी साइक्लोस्टोमेटा हैं दे आर एक्टोपैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट्स ऑन फिशेस, फिशेस के ऊपर एक्टोपैरासाइट्स की तरह ये रहते हैं, ठीक है। इनकी इलोंगेटेड बॉडी होती है, बड़ी सी बॉडी होगी, इलोंगेटेड बॉडी होगी, विद 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल्सलेट्स, 6 से 15 पेयर्स किस चीज के प्रेजेंट होंगे इनके पास, गिल्सलेट्स
किन स्लिप्स के प्रेजेंट होंगे? जिनका काम क्या है, गिल्स का काम क्या है, रेस्पिरेशन में हेल्प करना। गिल स्लिप्स होंगे जो कि रेस्पिरेशन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। इनका क्या होता है, जो माउथ है, जो इनका माउथ होता है वो सर्कुलर होता है, उससे ये सकिंग करते हैं। एंड विदाउट जॉज, जॉज प्रेजेंट नहीं होंगे। इनकी जो बॉडी है, अगर हम इनकी बॉडी की बात करें तो बॉडी डिवॉइड, डिवॉइड मींस लैक, लैक ऑफ स्केल्स। इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, डिवॉइड ऑफ स्केल्स। एंड जो पीछे मैंने बोला पेयर्ड फिन्स, फिन्स भी इनमें प्रेजेंट नहीं होंगे। इनके अलावा इनका जो क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम है, क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम, वो जो है कार्टिलेजियस है, मतलब कार्टिलेजिस का बना हुआ होता है, कार्टिलेजिस का बना हुआ होता है, कार्टिलेजिस का बना हुआ होता है। सर्कुलेशन जो है इनमें क्लोज होगी। सर्कुलेशन क्या है, क्लोज है। ये मराइन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, बट ये माइग्रेट करके, बट ये मोस्टली ये मराइन होते हैं, बट ये माइग्रेट करके फ्रेश वाटर में भी जा सकते हैं, माइग्रेट करके फ्रेश वाटर में भी ये जा सकते हैं, बेसिकली मराइन होंगे। फ्रेश वाटर में क्यों जाते हैं, सो दैट दे कैन कंप्लीट देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला फेज जो है इनका, वो वहां पर जाके कंप्लीट करते हैं। और जैसे ही ये मेटिंग कर लेते हैं, मेटिंग करने के बाद ये डाई कर जाते हैं कुछ समय के बाद, और उसके बाद जो इनका लार्वा होता है वो वापस से, इनका जो लार्वा होता है वो वापस से रिटर्न टू द ओशन, ओशन में वापस आ जाता है। क्या बोला मैंने, इनका ये वैसे तो मराइन होते हैं लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए फ्रेश वाटर में चले जाते हैं, और कुछ समय बाद वहां पर ये मर भी सकते हैं, और बट उनका जो लार्वा होता है वो रिटर्न टू द ओशन, ओशन में वापस आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए लैम्प्रे हम बात कर सकते हैं, फिश की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स है साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम की और भी बहुत सारे हमारे क्लासेस देखने को मिलेंगी जो हम फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।